हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। और हाँ गाइज वीडियो काफ़ी लेट है बिकॉज यार मेरी एग्जाम चल रही थी तो मैं उसमें बिजी था एंड अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। ओके तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में। ओके ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस सबसे पहले हम इसमें एक हैंड पीएनजी को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे हैंड पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस इसको आपको इस तरह से ब्रा करना है देन ऊपर के ओर ले जाना। ओके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना। और इतना करने के बाद इसके ओपेसिटी को आपको 40% रखना है। ओके और इसके बाद आपको सेव कर लेना है। एंड गाइस इसके बाद हम इसमें मॉडल यानी गर्ल पीएनजी को ऐड करेंगे। तो सिंपली हम यहां से ये गर्ल वाली पीएनजी है इसे सेलेक्ट करते हैं और आपको यहां पे थोड़ा सा इंक्रीज करना एंड थोड़ा सा पतला करना। ओके और बैकग्राउंड के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। तो गाइज आप अपने मॉडल के हिसाब से इसे एडजस्ट कीजिएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हैं और इसके बाद अपने मॉडल पीएनजी को लेकर आते हैं। तो इसे हम ब्रा करते हैं थोड़ा सा। और गाइज ये फोटो कुछ इस तरह से था एंड इसका बैकग्राउंड मैं पहले से रिमूव करके रखा हूँ। और गाइज अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख करके अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको यहां से सिंपली सेव कर लेना है। सो गाइस इसके बाद हम इसमें कुछ पीएनजी को ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो में जाना है आपको और यहां से हम पीएनजी को सिलेक्ट करते हैं। तो ये रॉयल पीएनजी एंड गाइस ये पीएनजी मॉडिफाई किया गया तो ये बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। सो गाइस इसका एक डुप्लीकेट बनाना है तो आपको ये इरेजर का ऊपर में एक फाइल वाली ऑप्शन दिख रही होगी, इस पर क्लिक करना देन डुप्लीकेट पर क्लिक कर लेना। ओके तो ये एक डुप्लीकेट बन जाएगी देन हम यहाँ पर इस तरह से नीचे की ओर लगाते हैं छोटा करके। ओके एंड इन्वर्ट कर लेना देन ब्रश पे क्लिक करना, साइज को कम करके जिस एरिया को आपको रखना है वहाँ पे पेंट करना। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ इसे। और इसके बाद गाइस यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सो गाइस जितना काम हो चुका है एंड इसमें अब कुछ और पीएनजी को ऐड करेंगे जो कि एक टेक्स्ट वाली पीएनजी और एक लाइट पीएनजी। तो दोनों पीएनजी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे दोनों पीएनजी को सिलेक्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट वाली पीएनजी को साइड में रखेंगे और ये लाइट वाली पीएनजी को एडजस्ट करना। तो आपको इस तरह से करना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप कीजिएगा। ओके और इसके ब्लेंडिंग मोड को आपको स्क्रीन कर लेना है देन स्क्रीन करने के बाद इसे एडजस्ट करना अच्छी तरह से। और इसके ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद आपको ऊपर में टेक्स्ट को रख देना। तो यहाँ से हम इसे मूव अप कर लेते हैं और छोटा करके एडजस्ट करते हैं अच्छी तरह से। इतना करने के बाद सिंपली डन कर देना। सो गाइस हमारे यहाँ पे पिक्सआर्ट का सभी काम हो चुकी है एंड गाइस इसमें अब कलर करेक्शन करना जो कि हमारी फोटो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कलर करेक्शन करना। ओके तो हम यहाँ पे सिंपली अपने फोटो के गैलरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद गाइस हम यहाँ पे अपने लाइटर मैप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस हमारे यहाँ पे फोटो लाइटर मैप में आ चुकी है तो हम इसमें बेसिक कलर करेक्शन करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम अपने मॉडल के कलर को एडजस्ट करेंगे अपने यानी गर्ल वाली मॉडल के साथ में। ओके तो हम यहां से इस तरह से अपने मॉडल को पेंट कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सन वाले आइकन पर क्लिक करना देन इसके हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे और शैडो को कम करना। ओके वाइट को इंक्रीज कर लेते हैं देन यहां से कलर पर जा करके इसके टेम्परेचर को कम करना है क्योंकि गाइस हमें यहां पे गर्ल वाली मॉडल के पीएनजी के साथ इसे कलर को बैलेंस करना। तो हम यहां पे अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हैं इसे और सेव कर लेना है। सो गाइस हमारे यहां पे बैलेंस हो चुकी है कलर। इसके बाद हम यहां से जाएंगे सन वाले आइकन में, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, शैडो को कम करना। ओके और वाइट को भी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा देन ब्लैक को कम करना है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन में जाएंगे, सेकेंड कलर को चूज करके इसकी ल्यूमिनेंस इंक्रीज करेंगे जिससे हमारी फेस वाइट हो जाएगी देन इसके ह्यू को थोड़ा सा कम करना। ओके इसके बाद अगले कलर पर जा करके इसकी ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना, सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं देन ब्लू कलर पर जा करके सेचुरेशन को इंक्रीज करना और डन कर देना। ओके
गाइज इसके बाद आपको वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना, सैचुरेशन को इंक्रीज करना, देन यहाँ से अपने फ़ोटो में हम क्लियरिटी को भी बढ़ा लेते हैं जिससे हमारे फ़ोटो में काफ़ी अच्छी चमक आ जाएगी, और बिगिनर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद हम शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे, नॉइज डायरेक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। देन इतना करने के बाद सेलेक्ट टूल में जाएंगे और यहाँ से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। गाइज हम यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको डिटेल देना है, तो मैं यहाँ पे जिस एरिया में हमें डिटेल और भी इंक्रीज करना है उसी एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। तो हम हेयर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि गाइज हमें यहाँ पे डिटेल डालनी है। ओके, और गाइज यहाँ पे हम अपने क्लोथ को भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, जहाँ जहाँ हमें डिटेल रखनी है वहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद गाइज क्लियरिटी को इंक्रीज करना आपको, देन शार्पनिंग को इंक्रीज करना। ओके, और सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइज हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुकी है, एंड फिर सेलेक्ट में जाएंगे और नीचे से इस तरह से आपको सेलेक्ट करना। ओके, एंड यहाँ पे हम क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे और शार्पनेस को इंक्रीज करना है और सिंपली सेव कर लेना है। सो गाइज हमारे यहाँ पे फोटो फाइनली एडिट हो चुकी है, एंड मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दे रहा हूँ, जो कि जो आप देख रहे हैं कलर करेक्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ चुकी है हमारे फ़ोटो में। तो सिंपली हम यहाँ से अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।